दोस्तों सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें लगा जो सीट है इसको, सीट को अपने आगे पीछे यहाँ जहाँ आपको कंफर्टेबल महसूस हो और यहाँ किल्च ब्रेस तक इसके पैर पहुँचे, क्योंकि ये सीटें बैक ज़्यादा होती है तो इसको आगे करना तो आगे कर लेना और आगे पीछे जैसे जहाँ आपको कंफर्टेबल महसूस हो वहीं आपको इसको फिक्स कर लेना है। उसके बाद के आगे की बात करते हैं, आपको बताते हैं पूरा स्टेप टू स्टेप, इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। अगर आपने ध्यान से देख लिया, ध्यान से सुन लिया, 100% आप ऑपरेटर बन सकते हो। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे ABC सीरीज के बारे में, एक्सीलेटर ब्रेक और किल्च के बारे में। सेम गाड़ियों की तरह हैवी गाड़ी होती है जो, उसी तरह इनका सिस्टम रहता है, वही किल्च है इनका और ब्रेक प्रेशर ब्रेक है इनका और ये एक्सीलेटर है, तीनों उसी सिस्टम से रहते हैं जैसे अपने हैवी गाड़ी चलाते हैं उसी प्रकार से। एक जानकारी और दे दूँ दोस्तों मैं आपको कि फराना क्रेन चलाने से पहले, हाइड्रा चलाने से पहले आपको हैवी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, हैवी लाइसेंस होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इन तीन लीवरों की, इनसे जो ये पूरा बूम का सिस्टम है ये रहता है, मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा सारा सिस्टम। जैसे ही हम इसके बारे में बताएंगे तो बूम को आगे पीछे करके सारा दिखाएंगे। तो दोस्तों उससे पहले या सबसे पहले अपने क्या कर लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ही ये की लगा, इसको ऑन कर दिया है, ये पहले ऑफ था अभी ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद में दोस्तों गाड़ी को यह स्टार्ट बटन लगा हुआ है, इसे स्टार्ट कर लेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गया अपना, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में ये तीन लीवर लगे हुए हैं, इससे तो बूम अप और डाउन होगा। देखो जब आप इसको आगे की करेंगे तो देखो बूम डाउन हो रहा है, बूम डाउन हो रहा है, ठीक है। और इसको देखो, इसको अगर पीछे की तरफ खींचेंगे, ऐसे पीछे करेंगे तो ये बूम उठेगा, इसी तरह बूम उठेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे अपन दो नंबर लीवर की, इसके बाद में जस्ट इससे आगे ये दो नंबर लीवर रहेगा, ये है बूम को आगे बढ़ाने के लिए और बूम को अंदर करने के लिए। इसको जब ये जो लीवर है, दो नंबर लीवर है, इसको जब आगे की तरफ करेंगे ऐसे, तो देखो बूम बढ़ रहा है, इसी तरह बूम बढ़ता रहेगा आगे की तरफ। जब इसको अंदर लेंगे, जब इसको पीछे करेंगे, बूम को अंदर लेना होगा, तो ये जो बीच वाला लीवर है इसको पीछे खींचेंगे, इसको पीछे करेंगे तो बूम अंदर हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं तीन नंबर लीवर पर, ये तीन नंबर लीवर है, ये ड्राइवर के जस्ट राइट साइड में तीनों लीवर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन नंबर लीवर का क्या काम रहता है, इसका जो हुक है इसको डाउन करने के लिए, इसको सीलिंग को एरिया करने के लिए। देखो जब ये तीन नंबर लीवर को हम आगे लेंगे, देखो जब ये तीन नंबर को आगे लिया है तो ये देखो हुक एरिया हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये देखो आगे है तो हुक एरिया हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे अपनी तरफ, तो ये देखो हुक अप हो रहा है, सीलिंग अप हो रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से ये तीनों लीवर दोस्तों काम करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे इसके गियर के बारे में। तो दोस्तों सेम गाड़ियों की तरह इनका गियर होता है और वही चार्ट है इसका, देखो 1, 3, 5। और इसका रिवर्स गाड़ियों में इस साइड मिलेगा आपको, और ये क्रेन के, फराना क्रेन के इस साइड में रिवर्स मिलेगा बैक, कुछ गाड़ियों में यहाँ मिलता है आगे की तरफ, इसमें इस साइड में मिलेगा, इसे में भी 5 गियर है उसी तरह, और रिवर्स इस साइड में मिलेगा आपको, गाड़ियों के इस साइड में रिवर्स होता है और इसके रिवर्स बैक गियर है जो इस साइड में मिलेगा आपको। और हेवी गाड़ियों की तरह दोस्तों ड्राइवर सीट के राइट साइड में बैक साइड में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा हैंड ब्रेक, जिसको प्रेशर अप डाउन बोलते हैं आप, वो यहाँ मिलेगा। और स्टीयरिंग सेम उसी तरह है, और ये सेफ लोड इंडिकेटर है, सेफ लोड इंडिकेटर अपने, मैंने एक वीडियो बनाया है इसी पेज पर मिल जाएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसके बारे में पूरा डिटेल उसमें दिया है, तो ये समझना ज़रूरी है गाड़ी चलाने से पहले, ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद की बात करेंगे हम दोस्तों, उसके बाद में डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों। डिस्प्ले में एक्सीलेटर का और अपने हीटर का और डीजल का किलोमीटर, वो सेम घड़ियाँ जो इसमें और गाड़ियों में होती है वही घड़ियाँ इनमें मिलेगी। उसके बाद में सेंसर का डिस्प्ले अलग से लगा हुआ मिलेगा आपको, अलग से ये लगा रखा है, और वाइपर इस साइड में है, और बैक के रिवर्स जब हम लेंगे तो ये डिस्प्ले है, इसमें पीछे में कैमरा लगा हुआ गाड़ी के, वो शो करता रहेगा पूरा। उसके बाद में इसमें फैन का सुविधा दिया हुआ है सारा सिस्टम,
तो दोस्तों इसी प्रकार से हम ऑपरेटर बन सकते हैं। ऑपरेटर बनने के लिए सबसे तीन लीवर और ये तीन लीवर और आपने ये एस शेप लोड इंडिकेटर सीख लिया तो आप ऑपरेटर बन सकते हो, ठीक है। तो और क्लच ब्रेक दोस्तों सेम उसी तरह गाड़ियों में उसी तरह सेम ये रहेगा, ए बी सी सी और गियर बॉक्स वही रहेगा, स्टेयरिंग वही रहेगा। और इसमें बता दूँ जो ये फराना क्रेन है दोस्तों ना, फराना क्रेन का आगे का टायर है ये भी टर्न नहीं होता है और पीछे का टायर है ना ये देखो ये भी टर्न नहीं होता है, मतलब मुड़ता नहीं है ये, ना आगे का टायर मिड़ता है और ना पीछे का टायर, तो ये मुड़ता कहाँ से है, बीच में से बिल्कुल सेंटर से। ये देखो दूर से दिखाता हूँ आपको मैं, जो गाड़ी है ये बिल्कुल सेंटर से मुड़ेगी, सेंटर से इनमें हाइड्रोलिक जैक द्वारा मुड़ेगी, ठीक है। तो मुड़ने में कुछ अपने को चलाएँ तो अजीब सा महसूस होगा क्योंकि पूरा ये आधा गाड़ी घूमेगा बीच में से, तो कुछ अजब से अलग से लगेगा। तो मुड़ने का सिस्टम यहीं से रहता है। और दोस्तों मैं बता दूं बाहर की जानकारी के बारे में, उसमें इसमें गाड़ी में तीन या चार हुक रहते हैं, चार हुक रहते हैं इसमें, ठीक है। एक तो 15 टन तक काम कर सकते हैं, 11 टन तक काम कर सकते हैं और 7 टन तक काम कर सकते हैं और लास्ट हुक में 800 kg तक काम कर सकते हैं। और इसके अपने तीन बूम निकलते हैं और एक बूम एक्स्ट्रा से हम जोड़ सकते हैं, जो गाड़ी के राइट साइड में उस साइड में दिख रहा होगा आपको ऊपर पड़ा हुआ, वो बूम आगे एक्स्ट्रा काम करने के लिए जोड़ जॉइंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों FX F150 हाइड्रा के बारे में ऑपरेटर की पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने दी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कमेंट और भाई से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।